अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो इंटरफेसेस बहुत कॉमन और पॉपुलर हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, और हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के तौर पर भी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तो को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर इंटरफेस है वो कमांड लाइन है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड प्लीज बी फोकस ऑन दिस लेक्चर एंड लिसन विद अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, एंड इफ यू गॉट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टेक्ट टू मी। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर फेस की बात करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे बेहतर एग्जांपल है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टली हम डॉस बोलते हैं। जब हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कमांड लाइन इंटरफेस है, हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन हमारे पास सामने आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक होता है, कंसोल होता है, और उस पर जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स टाइप करते हैं किसी भी एक्शंस के लिए वो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, यानी वो टेक्स्ट लिखी जाती हैं, हमें टाइप करनी पड़ती हैं, और जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म करना होता है उसके लिए हमें कमांड या इंस्ट्रक्शन टाइप करनी पड़ती है। मसलन अगर हमने डेट चेक करनी है तो हमें डेट कमांड को टाइप करना पड़ेगा, अगर हमने टाइम चेक करना है तो हमें टाइम कमांड को चेक करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो हम जितने भी एक्शंस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करते हैं वो कमांड्स पे बेस करते हैं, और कमांड्स जो होती हैं वो टेक्स्ट बेस्ड हमारा यूजर इंटरफेस होता है। उसमें जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा यूजर इंटरफेस की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें जो यूजर होता है वो कंप्यूटर के साथ या ऑपरेटिंग के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है कमांड्स को टाइप करके। और आपको पता है कि जब हम कमांड्स को टाइप करते हैं तो हमें एक इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है और उसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कमांड्स के जरिए, और हम उसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज करते हैं वो कीबोर्ड होते हैं। तो हर कमांड बेसिकली किसी ना किसी एक्शंस को परफॉर्म करने की अहलियत रखती है, चाहे वो डेट की फॉर्म में हो या टाइम की फॉर्म में हो या किसी और तरह के एक्शंस हो, जितने भी एक्शंस हो उसकी बिहाइंड पे कोई ना कोई कमांड टाइप की जाती है। तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें यूजर को सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं अगर वो उस तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसको कंपैरिजन इसका करें सीएलआई और जीयूआई इंटरफेसेस के जरिए, जैसा कि आपको अब ये स्क्रीन पे राइट साइड पे शो देख रहे हैं कि इस साइड पे आपको मुख्तलिफ आइकन्स और ग्राफिक्स की फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में।
और इसके साथ जो है ये है आपको टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारा कंसोल एनवायरनमेंट होता है जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अब हम देखेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए, तो कुछ एडवांटेजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के भी होते हैं और CLI के भी होते हैं, और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं दोनों के, तो हम फर्दर इनको पढ़ते हैं। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ GUI पढ़ें तो इसमें तो ये है पहला कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये विजुअल नेचर में होता है, आइकन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और इससे हमें इजीली हम उसको आइडेंटिफाई करके हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं कि कौन सा सिंबल कट के लिए यूज किया जाएगा, कौन से सिंबल मैसेज के लिए यूज होता है, कौन सा सिंबल हमारा जो होता है वो एयरफोन को लगाने के लिए जाहिर होता है, कौन सा फोन जो सिंबल होता है वो गेम के लिए होता है, और कौन सा सिंबल जो होता है वो हमारे स्टडीड सॉफ्टवेयर के लिए होता है, और कौन सा सिंबल्स इंटरनेट के लिए इश्यू होता है। सेकंड, इसमें बहुत सारे वही क्लूज होते हैं जिसकी वजह से यूजर को बहुत आसानी होती है कि वो इन सिंबॉलिक आइकन्स या प्रोग्राम्स के जरिए इस यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल कर सके। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई बहुत ज्यादा इल्म या एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, इवन के अनएजुकेटेड पर्संस भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका थर्ड जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो एरर्स होते हैं इनपुट के उनके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें आपको कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती, ना याद रखनी पड़ती हैं, और ना ही टाइप करनी पड़ती है ताकि आपको कोई स्पेलिंग्स का मसला हो या इश्यू हो। यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसलिए इसमें इनपुट एरर्स के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद इनपुट जो कमांड्स हम यहाँ पे देते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट इसलिए हो जाती हैं कि फर्ज करें अगर हमने कॉपी पेस्ट करना है तो हम एक जगह से हम कॉपी करते हैं और दूसरी लोकेशन पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, इस वजह से हमें अंदाजा भी हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि इसके लिए प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा चाहिए हमें, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे आइकन्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आइकन्स की फॉर्म में होते हैं, कलर्स की फॉर्म में होते हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में होते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ज्यादा चाहिए। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी या प्रोसेसिंग स्पीड हमें ज्यादा चाहिए होती है तो उसके साथ साथ हमें इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये जगह ज्यादा घेरते हैं मेमोरी में, इसलिए मेमोरी का जो ज्यादा इस्तेमाल हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। उसके बाद ये है कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है ऑप्शन जो पहले से ही हैं उन्हीं पे आप डिटरमिन होते हैं और उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हैं, आप नई कोई नहीं लिख सकते। जो वहां पर ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं स्क्रीन पे सिंबल्स या आइकन्स या किसी भी फॉर्म में ग्राफिक्स फॉर्म में, तो यू विल हैव टू यूज दैट। ये इसका डिसएडवांटेज भी होता है। उसके अलावा मल्टीटास्किंग भी होता है इसमें कि हम मल्टीटास्क को भी यूज कर सकते हैं, ये एडवांटेजेस में आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। उसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम GUI बोलते हैं उसके अगर एडवांटेजेस हैं तो किसी ना किसी तौर पर CLI कमांड लाइन इंटरफेस के एडवांटेज भी होते हैं। इसका पहला जो एडवांटेज वो ये है कि इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो नो डाउट कि टाइपिंग में जो कंप्यूटर की स्पीड होती है या एग्जीक्यूशन होती है वो ज्यादा तेज होती है,
इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि फर्ज करें अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को शट डाउन करना है माउस की मदद से, तो आप स्टार्ट आइकन पे जाएंगे, फिर शट डाउन, फिर एक पावर आइकन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगी, फिर वो शट डाउन पे आप क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने करना है, कंफर्म है कि आपने शट डाउन करना है या नहीं करना, फिर आप उस पे यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो शट डाउन हो जाएगा। और अगर यही प्रोसेस अगर आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहें तो आप Alt Control F4 करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अब आपको कंप्यूटर में तीन कीज प्रेस करने में और माउस की मदद से पांच स्टेप्स करने में बहुत सा फर्क महसूस होगा और आपको पता चलेगा कि माउस की मदद से जो आप प्रोसेसेस कर रहे हैं मुख्तलिफ, उसमें देर लगती है और जो आप कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स की फॉर्म में एक्शंस परफॉर्म करते हैं कमांड्स को टाइप करके, तो वो फास्ट होती हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इसका जो कमांड्स की जो रेंज होती है इस्तेमाल करने की मद में, वो ज़्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम कमांड लाइन इंटरफेस पर बैठकर वो कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग इंटरफेस में, जो पहला इसका डिसएडवांटेज वो है, ये है चूंकि हर एक्शंस के लिए हमें हर कमांड टाइप करनी पड़ती है और जितने भी हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे उनके लिए हमें कमांड्स को याद भी रखना पड़ता है और उनके स्पेलिंग्स को भी याद रखना पड़ता है। अगर हम स्पेलिंग्स मिस्टेक करेंगे ड्यूरिंग द टाइपिंग कमांड्स तो कंप्यूटर हमें एरर जनरेट करेगा। इसलिए न सिर्फ हमें कमांड्स को याद रखना पड़ता है उनके नेम्स को, बल्कि उनके सही स्पेलिंग्स को भी हमें याद रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये एक बर्डन या बर्डन होता है जहन पे और हमें हिफ्ज करनी पड़ती है सारी चीजें। और इसका सेकंड जो डिसएडवांटेज वो ये होता है कि अगर हमने बहुत सिंपल टास्क भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम होता है, मतलब हमें वो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें चार या पांच कमांड्स का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे भी सिंपल टास्क हैं, मसलन अगर हमने किसी सिंपल पैराग्राफ को एक लोकेशन से, एक फाइल से दूसरी फाइल में या एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है एक फाइल को, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ टाइप का कमांड्स का सहारा लेना पड़ता है और उसके एट्रीब्यूट्स का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी कि उसके पाथ भी हमें टाइप करना पड़ता है कि वो किस जगह पे मौजूद है और किस जगह पे जाके हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सारा कुछ हमें लिखने के लिए हमें कमांड्स की जरूरत पड़ती है और कमांड से रिलेटेड उसके एट्रीब्यूट्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक कंबरसम हमारे पास एक बर्डन सा होता है और हम इसे फील करते हैं। जबकि अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये प्रोसेस करें तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। तो ये वो कुछ थे मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI के। स्टूडेंट्स, एक एडवांटेज मैं ये भी बताता चलूं कि कमांड लाइन इंटरफेस का एक एडवांटेज जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, यानी वो भी ज्यादा होती है और मेमोरी कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है, यानी आप बहुत ज्यादा डेटा इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट्स और कलर्स और मुख्तलिफ साउंड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेमोरी में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कमांड लाइन इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर हम बात करेंगे और मुझे काफी उम्मीद है
उनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स को आप जानते भी हैं, आपने उनको यूज भी किया हुआ है, सिर्फ उनकी हमने डिटेल बतानी है और उनको कैसे इस्तेमाल करना होता है, उनका पर्पस क्या होता है और हम उसको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर सुनने के बाद, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी और सेल फोन के थ्रू भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।